क्या हुआ जिसमें तुम्हारा गोल मटोल का चेहरा उतरा क्यों हुआ है? भाई आप और प्यारी परेशानी जी जिनू जिंदगी में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है, इतनी सी बात में उदास क्या होना। और वैसे भी तुर्किस्तान की लड़कियां ना हम पर दीवानी है, मुंह धोना भूल जाएंगी लेकिन हमारा नाम लेना नहीं। अरे तो फिर ऐसी भुलक्कड़ लड़कियों से दूर रहना ही बेहतर है। तुम हमारी फिक्र मत करो जिनू, हम ठीक है। ठीक है अगर आप कहते हैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपने कल अम्मी से बात की? जिनू हम आज ठीक है, कल ठीक नहीं थे और वैसी हालत में हम उनके सामने नहीं जाना चाहते थे, और अम्मी भी कहीं कल मसरूफ सी थी, लेकिन आज ताजपोशी के बाद हम उन्हें बता देंगे कि आप हमारे साथ आ रही हैं तुर्किस्तान, और चोरनी को उसका बगदाद उसे मुबारक हो। चोरनी और हमारी कहानी खत्म। जो कहानी जिंदगी में शुरू ही नहीं हुई है उसे खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस निकम्मे शहजादे को अपनी कही हुई बात पत्थर की लकीर लगती है, और मेरी कही हुई झूठा इल्जाम, मेरा यकीन करो। यकीन करने वाली बात कहती तो हम यकीन कर लेते यास्मीन, लेकिन हमारी अम्मी पर इल्जाम लगाने का हक तुम्हें तो क्या इस दुनिया में किसी को नहीं है। वो बददिमाग शहजादा जिद करना जानता है, चक करना जानता है, यकीन करना नहीं जानता, और जहाँ यकीन नहीं होता वहाँ तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो बराबर बोली बीड़ू, बद्दू और मक्खन मलाई एक साथ एकदम झक्कास लगते हो रे। हम लगते होंगे साथ में से, पर हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं। हम भी अलग हैं और हमारे रास्ते भी, और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो अलादीन, तुम अपना वादा भूल गए। हमें सब याद है, इतना वादा भी और वो इल्जाम भी जो तुमने अम्मी पर लगाया। इल्जाम जाके भी नहीं भुला सकते चोरनी, इसलिए ना जाके भी वादा भुलाना पड़ेगा। यही मौका है अलादीन, पूछो अम्मी से उन्होंने मुझे नूरे नजफ लाने को कहा था या नहीं। जहाँ यकीन होता है वहाँ पर सवाल नहीं पूछते, हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। सुल्ताना, आपकी ताजपोशी के लिए जिस खास मेहमान को हमने बुलाया है वो आ गई है। फैरोज, आज के जश्न में अपनी खूबसूरत आवाज से जश्न को सजाने आई। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताजपोशी की रस्म के बाद आप अपना गाना शुरू कर सकती हैं। ये ताजपोशी हो तो रही है, पर क्या तुम खुश हो? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी बगदाद के तख्त पर बैठ सकती हूँ? बेशक, तुम मोहब्बत भले नहीं समझती लेकिन सियासत अच्छे से समझती हो, क्योंकि तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचती हो। काश मैं तुम्हारे बारे में भी यही कह पाती, दिमाग से सोच लेते तो शायद मेरी बात समझ पाते। वो बात नहीं इल्जाम था, और ये बेकार की बहस है जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि तुमने तो सोच लिया है, तुम तो गलत हो ही नहीं सकते। पत्थर से दिल लगा बैठे इससे बड़ी गलती और क्या कर सकते थे। पोशी की रस्म शुरू की जाए। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद।
ये आवाजें अब मेरे कानों में चुभ रही है भाईजान। बैठो। तू परेशान हो रही है? रोज का गाना शुरू होते ही ये जो सारा जश्न हो रहा है, मौत के सन्नाटे में घुल जाएगा। एक अरसे के बाद बगदाद की बागडोर लायक हाथों ने संभाली, इसलिए हम फैरूज जी से दरख्वास्त करते हैं कि वो आज का दिन अपनी आवाज से यादगार बना दें। रुखसार, रुखसार। सबका ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे? फैरूज के लिए तोहफा लेने, दास्ताने बगदाद, बगदाद के बारे में गानों की बड़ी खूबसूरत किताब है, वही लेने जा रहे हैं। हाँ। अम्मी की नजर नहीं आ रही। आपका काम हो गया भाईजान, इसने तो हमारा काम कर दिया। अब इसका काम तमाम करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। बट ये रुखसार बेगम का खात्मा होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इनके मारे हुए थप्पड़ की गूंज आज भी हमारे कानों में गूंजती है, इसलिए इन्हें जिंदा रहना जरूरी है ताकि वो पूरे बगदाद को एक कब्रिस्तान में तब्दील होते हुए देख सके। इनकी वजह से इनकी औलाद, इनकी बहू खात्मा होते हुए इन्हें अपनी आंखों से देखना जरूरी है। जब तक हम आपकी इस किस्म की चीखें नहीं सुन लेते ना, हमारे कानों में से इनके थप्पड़ की गूंज नहीं जाएगी। के चक्कर में हम किताब पहले से निकाल कर रखना भूल ही गए थे, इसलिए तो सबकी तरह हम फैरों से बने के मजे नहीं बल्कि यहाँ पर किताब ढूंढ रहे। दास्ताने बगदाद,
फूल लेने शाहीन सड़क तक चली गई। ये सच नहीं है यास्मीन। ये सच है, तुम उनसे खुद पूछो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है यास्मीन। और तुम हमारी अम्मी के बारे में बात कर रही हो यास्मीन। उन्होंने तुम्हें नहीं भेजा। ये किताबें अपने आप कैसे गिर गईं? चुलबुल, तुम्हारा याल किसने किया? बड़ी उस्ताद ने। बड़ी उस्ताद ने? हाँ, जफर और जहर ने बड़ी उस्ताद को अपने बस पे कर लिया है। जान पहचान या तो वक्त से गहरी होती है या तजुर्बे से, पर अलादीन तो दो जिंदगियों में भी मुझे नहीं पहचान पाया। हम मिले, लड़े, दोस्त बने, एक साथ मुश्किलों का सामना किया, नजदीक आए, और आज एक झटके में उसने कह दिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। काश तुम मुझे समझ पाते अलादीन, मुझ पर जरा सा यकीन कर पाते। की आवाज का जादू सब पे होने लगा है। फिर चिराग के जिन पर भी हो रहा है, देख लो इन सलाखों पर उसके किए हुए जादू का असर उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है। बिल्कुल भाईजान, और अब इन बदकिस्मतों पर टूटा है सफर और जहर का कहर। आंखें क्यों बंद हो रही बड़े? मेरी भी छोटे। क्यों? सब क्या हो रहा है? अलादीन और अम्मी, अलादीन और अम्मी कहाँ हैं? जीनू, जीनू, जीनू आंखें खोलो, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप उठो, जीनू, जीनू आंखें खोलो, जीनू, जीनू, आंखें बंद नहीं करनी, जीनू, उठो। ये सब फेरोज के गाने की वजह से हो रहा है। नहीं, मैं खुद पर इसका असर नहीं होने दूंगी। जीनू, जीनू, ये सब फेरोज के गाने की वजह से हो रहा है। जीनू आंखें खोलो, अब अपने अपने कान पे हाथ रखो। तू जीनू, जीनू, ये तुम क्या कह रही हो चुलबुल? अम्मी अपना शहर कब्जे में, और वो फेरोज भी उनके साथ मिली हुई है। हाँ, सही खेल गए। क्या तुम बता सकते हो इस वक्त अम्मी कहाँ है? मुझे ये नहीं पता अलादीन, पर मुझे इतना पता है कि जब तक बड़ी उस्ताद उन बुरे लोगों के बस में रहेंगी, बगैर जाने बगैर सोचे पूरे काम करती रहेंगी। तुम्हें उन्हें उस जादू के असर से आजाद करना होगा। फेरोज ने गाना गाना भी शुरू कर दिया है, तुम्हें उसे रोकना होगा।
नसरीन। चलिए। हाँ। आजाद हो गए। आजादी मुबारक हो भाईजान। हाँ, आजादी मुबारक सर, आजादी मुबारक। आजादी मुबारक। हम सोच रहे हैं अपनी जीत की खबर आने तक और खलीबली के लौटने तक यहाँ रुक जाना चाहिए। क्यों भाईजान? सही खेल गए। अभी तक सरोज को पता नहीं चला है कि तुम दरबार में नहीं हो, और पता भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम इन सबको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अलादीन, मैंने तुमसे कब कहा ऐसा कि तुम इन सबको छोड़ दो? अलादीन, तुम पर काले जादू का असर नहीं हुआ है, इस बात का फायदा उठाओ। मुश्किल को नहीं, मुश्किल आने वालों को पकड़ो। जहर और सफर, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अम्मी को भी ढूंढ कर उन्हें काले जादू से आजाद करना है। मैं देर नहीं करनी चाहिए, चलो। रुखसार बेगम, खैर अब जब इन्हें पता चलेगा कि इनके बच्चों की हालत इन्हीं की बदौलत है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। अम्मी को तो हम संभाल लेंगे जफर। लेकिन तू अपने किए गुनाहों का बोझ कब तक संभालेगा? बहुत जल्द तो उसी बोझ के नीचे कुचला जाएगा कमीने। रुक जाओ अलादीन। अगर अपनी बेचारी अम्मी को बचाना चाहते हो ना, तो आगे मत बढ़ना, वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा। हमारी अम्मी हिम्मत और हौसले की मिसाल है। तहर कोई बेचारी नहीं। अम्मी, 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 अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। रुक जाओ अलादीन। अगर अपनी अम्मी को जिंदा जलते नहीं देखना चाहते हो, तो जहां हो वहीं खड़े रहो। और मैं ये धमकी नहीं दे रही, यकीन नहीं आता? दिखा देती हूँ। नहीं, रुखसार। बेहतरीन, बेहतरीन। अलादीन, तुम्हारे हिम्मत और हौसले की मिसाल बेचारी बनी गई। देखो हमारा दिल बड़ा है, इसीलिए से बचाने का तुम्हें एक तरीका बता सकते हैं। हम अम्मी के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नहीं, देखो समझ, इस वक्त मौजूदा हालात में ना, हमारी जो अम्मी की जान है वो एक बात ही मामूली और पतली सी डोर पे लटक रही है। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी बेवकूफों की वजह से वो डोर टूट जाए। हमारी बात सुनो, सीधा सा सौदा है भाई, तुम्हें बगदाद के लोगों की सलामती चाहिए, अपने वालों की सलामती चाहिए, और हमें काला चिराग चाहिए। अब देखो, जब तक तुम हमारे लिए काला चिराग नहीं लाते, तब तक रुखसार बेगम हमारे हाथों की कठपुतली बनी है। बड़ा मामूली सा सौदा है, चिराग ले आओ
अम्मी को फारिग करा ले जाओ। सौदा मंजूर।